प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए एक खूबसूरत और नायाब तोहफा है जो हर महिला अपनी लाइफ में चाहती है और कभी ना कभी इस पल से गुजरती ही है। और अगर हम सेक्स की बात करें प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, खासकर उन लोगों के मन में जिनकी बीवियां मतलब जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है या फिर जो स्वयं प्रेग्नेंट है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस बारे में बात करें, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, मतलब सेक्स, बहुत सारे लोगों को सेक्स नाम से ही हेजिटेशन होता है, करना सबको है लेकिन शर्म भी सबको करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि क्या आप गर्भावस्था के दौरान संबंध बना सकते हैं, या फिर आपको गर्भावस्था के दौरान कौन से महीने में संबंध बनाना चाहिए जो आपके लिए और आपके शिशु के लिए सेफ है। बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन होगा, ये डाउट होगा कि अगर हम गर्भावस्था के दौरान सेक्स करते हैं, मतलब संबंध बनाते हैं अपने पार्टनर से, तो कहीं इससे हमारे होने वाले बच्चे को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा। मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपकी क्यूरियोसिटी आगे ना बढ़ाते हुए। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। तो आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं हमेशा ही लेके आती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक भी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर सकते हैं, मतलब अपने पार्टनर से संबंध बना सकते हैं, और ये आपके बच्चे के लिए सेफ है, आपके लिए सेफ है कि नहीं है, इसके बारे में बताऊंगी, पूरी डिटेल दूंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने पार्टनर से संबंध बनाने से, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से आपके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना बिल्कुल सेफ है। हाँ, अगर कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन या फिर आपकी पुरानी हिस्ट्री ऐसी ना रही हो, जैसे बार बार आपके अबॉर्शन ना हुए हो, या फिर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी ना हो, या फिर आपको किसी भी तरह की बार बार ब्लीडिंग वाली समस्या ना हो, या फिर किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन ना हो, जो मैं आपको अभी क्लियर करूंगी, तो अगर इस तरह की आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान संबंध अपने पार्टनर के साथ बना सकते हैं, इसमें कोई भी खतरा नहीं है। कुछ ऐसी सेक्स पोजीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो शुरू के 3 मंथ होते हैं उसके बाद में आप 7 से 8वें जो मंथ होता है उसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखनी होती है, क्योंकि ये जो मंथ होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आप अपने पार्टनर से संबंध बना सकते हैं। पार्टनर से ऑब्वियसली आप अगर इस समय पे संबंध बनाएंगे तो अपने जो पार्टनर है उनकी जो फीलिंग्स हैं उनका ध्यान रखकर बनाएंगे, मतलब आराम से हर चीज के लिए, मतलब जो आपकी महिला पार्टनर है उस पर किसी भी तरह का सेक्स के दौरान प्रेशर उनके पेट पे नहीं पड़ना चाहिए जो उनकी बीवी के लिए खतरनाक हो। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, ना आपके लिए ना ही आपके शिशु के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से, मतलब अपने पार्टनर से संबंध बनाने से, आपके शिशु पर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आपका शिशु होता है वो आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा होता है चारों तरफ से, और जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली होती है वो बहुत मजबूत होती है, जो बच्चे को बाहरी धक्के से या किसी भी तरह के प्रेशर से बचाता है। और सेक्स के दौरान जो पेनिट्रेशन होता है वो योनि में होता है, मतलब वजाइना में होता है, वो यूट्रस में नहीं होता है, यूट्रस और अंदर होता है, जिससे आपके जो गर्भ में पल रहे शिशु को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि गर्भावस्था एक लंबी प्रक्रिया है, मतलब ये पूरी 9 महीने की प्रक्रिया है, और इस दौरान जो पार्टनर होते हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों को सेक्स करने के लिए मन में ये डाउट पूरे महीने रहता है कि कहीं अगर हम आपस में रिलेशन बनाएं, मतलब सेक्स करें, तो हो सकता है कि जो हमारा गर्भ में पल रहा शिशु है उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचे। तो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखना है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने गर्भावस्था के दौरान जो आपका सेक्स है उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर का जो रक्त प्रवाह होता है वो अति संवेदनशील हो जाता है,
और इस दौरान स्तन भी अति संवेदनशील हो जाते हैं और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की जो सेक्स ड्राइव होती है, मतलब सेक्स करने की इच्छा होती है, वो पहले से ज्यादा हो जाती है। इससे महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने की कई बार ज्यादा इच्छा होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी ऐसी सावधानियां रखनी है, मतलब आपको कब सेक्स करने से गर्भावस्था के दौरान बचना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर महिला की गर्भावस्था के दौरान आखिरी तिमाही चल रही हो, मतलब जब महिला का प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा हो, उस समय आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत होती है। उस समय आपको अपने जो पार्टनर हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि आखिरी महीने में, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में, जो बेबी होता है वो नीचे की तरफ धंसता है, मतलब अपनी पोजिशन लेता है डिलीवरी के लिए। तो वो जो समय होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बच्चे का वेट भी बढ़ गया होता है, इसलिए गर्भावस्था के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आपको सेक्स करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते समय किसी भी तरह की ब्लीडिंग दिखती है, स्पॉटिंग दिखती है, तो आपको उस समय संबंध नहीं बनाना चाहिए, मतलब सेक्स नहीं करना चाहिए, और आपको जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का दूसरा सिक्रेशन या फिर एमनियोटिक फ्लूइड सेक्स के दौरान दिखता है, तो आपको उस समय अपने पार्टनर के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर होने वाली मां का गर्भाशय कमजोर है, या फिर आपके बार बार अबॉर्शन हो चुके हों, या फिर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, मतलब आपको एक से ज्यादा आपके गर्भ में शिशु पल रहे हों, तो इस दौरान भी आपको गर्भावस्था के दौरान सेक्स करने से, मतलब अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी की कोई हिस्ट्री हो, तो भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो भी मैंने आपको भी लक्षण बताए हैं, उनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको अपने ऊपर दिखते हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करते समय या फिर रिलेशन अपने पार्टनर के साथ बनाते समय आपको अपने डॉक्टर से पहले परमिशन ले लेना चाहिए, उसके बाद ही बनाना चाहिए, क्योंकि आपका मैटर जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, मतलब आपको कोई भी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं होने वाली मां को और उनके गर्भ में पल रहे शिशु को। तो सबसे पहला फायदा होता है प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से, जो पार्टनर होते हैं, मतलब जो पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में भावनात्मक जो इमोशनल जो फीलिंग होती है वो और स्ट्रांग होती है, मतलब जो भावनात्मक रिश्ता होता है, इससे फीमेल पार्टनर का स्ट्रेस भी कम होता है, मतलब तनाव भी कम होता है, और बच्चे और माँ दोनों में सकारात्मक फीलिंग आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से जो होने वाली माँ है, उनकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो और ज्यादा मजबूत होती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के समय महिला को ज्यादा दर्द नहीं फील होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में सेक्स करने से, मतलब अपने पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने से, महिला का जो स्ट्रेस है वो भी रिलैक्स रहता है, मतलब महिला का जो तनाव है वो भी कम होता है, जिससे होने वाली माँ का ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। अब मैं प्रेगनेंसी में सेक्स करने से, मतलब संबंध बनाने से जुड़े कुछ मिथ हैं जिनको मैं क्लियर करूंगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि मैंने शुरू के वीडियो में ही क्लियर कर दिया है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, अगर जो होने वाली माँ है उनको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। इसके बाद सेकंड है कि प्रेगनेंसी में ओरल सेक्स करने से भी माँ और शिशु को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, ये पूरी तरह से सेफ है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाते हैं, आपको हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। बिना कॉन्डम के आपको अपने पार्टनर के साथ में संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि हो सकता है उस समय कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जो आपसे आपके पार्टनर तक जाए और आपके पार्टनर से आपका जो गर्भ में पल रहा शिशु हो उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी सेक्स करें आपको हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करना है। इसके बाद तीसरी खास बात है कि आप प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने तक किसी भी सेक्स पोजीशन को एंजॉय कर सकते हैं। उस समय आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है कि आपको इस तरह की पोजीशन नहीं लेना है या आप इस तरह की पोजीशन नहीं लेना है, आप हर तरह की सेक्स पोजीशन को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो 7 से 8 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है, आपको उस समय स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो होने वाली मॉमी है उन पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए सेक्स के दौरान।
ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं लेना है जिसपे आपको जो मॉमी है उनके पेट पर प्रेशर पड़े, और या फिर उनको सीधी वाली पोजीशन भी नहीं लेनी है जिससे उनकी कमर पर प्रेशर पड़े। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के बाद में अपनी वजाइनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपनी वजाइनल हाइजीन मेंटेन करने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस समय आपको किसी भी तरह का वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हर तरह की मेडिसिन नहीं ले पाएंगी, चूज करके ही मेडिसिन आप लेंगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि इस समय आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसलिए आपको वजाइनल हाइजीन पे स्पेशली ध्यान देना है। मतलब जब भी आप अपने पार्टनर से संबंध बनाती हैं, सेक्स करती हैं, उसके बाद आपको अपनी वजाइनों को अच्छी तरह से वॉश करना है और हमेशा अपनी पैंटीज को चेंज करते रहना है। लूज कॉटन के कपड़े पहनना है, लूज कॉटन की पैंटीज पहनना है। और अगर आपको ज्यादा वजाइनल हाइजीन के बारे में जानना है तो मैंने अपने पुराने वीडियोज में इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स से रिलेटेड मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।